अब क्या होगा, इसको इसकी पोजीशन चेंज करने के लिए टॉर्क रिस्पॉन्सिबल है, टॉर्क निकाल लेता हूँ पहले। ये एंगल थीटा बन रहा है तो ये वाला एंगल भी थीटा बनेगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अच्छा ये 90 डिग्री है, ये एंगल हम देख सकते हैं ये भी 90 डिग्री है, ये एंगल थीटा है तो ये बचा हुआ 90 माइनस थीटा होगा, ये भी 90 डिग्री है, ये 90 माइनस थीटा है तो ये बचा हुआ थीटा होगा। तो मेरे को पता लग गया कि ये एंगल थीटा आएगा। अच्छा डिस्क इस सिचुएशन में है, ये मेरी डिस्क है अभी नीचे आ चुकी है, तो इसके सेंटर पे ग्रेविटी फोर्स लग रहा होगा ना नीचे की तरफ एम जी, ये एंगल थीटा है तो थीटा के अलॉन्ग एम जी कॉस थीटा और इधर एम जी साइन थीटा। डिस्क इस पॉइंट से पाइवेटेड है तो फोर्स जो इसको घुमा रहा है वो है एम जी कॉस थीटा, और यही फोर्स इसको टॉर्क प्रोवाइड कर रहा है। टॉर्क को कैसे निकालते हैं, टॉर्क का फॉर्मूला होता है जो फोर्स हमने लगाया वो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन टू फोर्स वेक्टर लाइन। ये वो लाइन है जिसके अलॉन्ग क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करो, कहाँ से फाइंड करनी है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से फोर्स वेक्टर के ऊपर जो परपेंडिकुलर लाइन है उसका डिस्टेंस आर, तो फोर्स को मल्टीप्लाई करो इस डिस्टेंस से। तो फोर्स मेरा है एम जी कॉस थीटा, और एक्सिस ऑफ रोटेशन से फोर्स वेक्टर के परपेंडिकुलर जो लाइन है उसका डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितना होगा, ये वाला, ये तो आर है रेडियस, क्योंकि ये सी टू सेंटर है और ये पी पॉइंट है, तो पी पॉइंट और सेंटर के बीच की डिस्टेंस पहले भी आर थी, अभी भी तो आर ही रहेगी, बस एंगल ही तो चेंज हुआ है। तो पी पॉइंट और सेंटर के बीच की डिस्टेंस अभी भी आर ही रहेगी, तो ये आर, ये एम जी कॉस थीटा, तो यहाँ से टॉर्क आ जाएगा मेरा एम जी कॉस थीटा इंटू आर। अब बात करते हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की, तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी हमको पी पॉइंट के अबाउट ही चाहिए। अच्छा तो उसके लिए हमको सेंटर ऑफ मास के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पता है डिस्क का, इसके अबाउट निकालना है, तो इसके अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम आर स्क्वायर बाय टू डिस्क का, और इसके अबाउट चाहिए पी पॉइंट के अबाउट। तो फॉर्मूला क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस एम डी स्क्वायर, ठीक है ना, जहाँ पे डी क्या होता है दोनों एक्सेस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाई टू प्लस एम आर स्क्वायर, सॉल्व करके डिनोमिनेटर में आ जाएगा थ्री बाई टू एम आर स्क्वायर, और आर से आर कैंसिल, एम से एम कैंसिल, देन फाइनल रिजल्ट विल बी टू बाई थ्री जी कॉस थीटा अपॉन आर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।